प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं शेराज खान। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है ब्रिटिश डॉक्टर जो जीपी है बर्मिंघम के अंदर, डॉक्टर शौकत अली खान साहब ने। आज हमने इनसे कोरोना वायरस के हवाले से और नई जो वैक्सीन आई है उसके हवाले से कुछ सवाल करने हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम शेराज साहब, वेलकम। जी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, दैट्स वेरी काइंड। जीपी के जो जीपी कंसल्टेशन है उसका मोड ही चेंज हो गया है, तो मोस्टली कंसल्टेशंस आर ऑन टेलीफोन एंड वीडियो कंसल्टेशन। और जे डेली एवरेज जीपी अराउंड अबाउट 40 पेशेंट्स की कंसल्टेशंस करते हैं, उसमें आजकल कोरोना आपके सामने एक पूरी एक वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, और यूके में डेली वी आर हैविंग समथिंग लाइक 20-25,000 केसेस व्हिच आर कमिंग पॉजिटिव। जिस सर्जरी में मैं काम करता हूँ हमारी कोई 8,500 पॉपुलेशन है, तो एवरेज डेली वी हैव 10-15 केसेस व्हिच आर कमिंग पॉजिटिव। उनमें बिल्कुल आप यकीन माने कि कुछ 1.5-2 साल के बच्चे भी हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं, और मैंने उनके फ़ोन करके घर वालों से दरियाफ्त किया, तो क्या सूरत हाल निकलती है कि इट हैज़ स्प्रेड इन द फैमिली इन द कम्युनिटी, एंड माँ बाप को भी हुआ है, और माँ बाप से फिर बच्चों को भी हो जाता है। और ये जो सेकेंड फेज ऑफ कोरोना जिससे हम अभी गुजर रहे हैं, इसमें ये बहुत सारी चीज़ें नई इंकशाफ हो रही हैं हमें, जो फर्स्ट फेज में नहीं थी। फर्स्ट फेज में आपको याद होगा लोग कहा करते थे कि कोरोना एक ऐसा मर्ज है जो कि लंग्स को इफेक्ट करता है, और हमें वेंटिलेटर और वेंटिलेटर और बस वेंटिलेटर वो चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब सूरत हाल ऐसा है कि उसके बाद फर्स्ट फेज में बहुत सारी जो अमवात हुई हैं, डेथ्स हुई हैं, उनके पोस्टमार्टम्स हुए हैं, रिसर्च हुई है, उस रिसर्च में नई नई किस्म की इंफॉर्मेशन मिली है, और उसमें ये है कि यस इट डज अफेक्ट द लंग्स, बट इट ऑल्सो अफेक्ट्स द ब्रेन, इट कैन अफेक्ट द किडनी, इट कैन अफेक्ट द हार्ट, इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। और सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सांस का ही प्रॉब्लम होगा, और उस फेज में जो अमवात हुई थी सांस से रिलेटेड भी हुई थी, लेकिन और सारी वजूहात भी थी जिसमें हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, किडनी फेलियर। अब ये जो सेकेंड फेज है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि द वर्ल्ड स्पेशली जिस मुल्क में हम अभी यहाँ रह रहे हैं, वी आर मच बेटर प्रिपेयर्ड। वी हैव आफ्टर रिसर्च एंड एनालिसिस वी हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि ये सिर्फ लंग्स को ही नहीं बल्कि दूसरे ऑर्गन्स को जो इफेक्ट करता है, और उसके ऑलरेडी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट अभी नहीं निकला। लेट मी मेक दिस क्लियर कि कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट अभी तक नहीं निकला। जो ट्रीटमेंट्स हैं दे आर मोर सिम्टोमेटिक कि जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको आपने रिजॉल्व करना है, और उसमें कुछ पुरानी जो मेडिकेशंस थी वो बड़ी कारामद साबित हुई हैं, जिसमें मसलन स्टेरॉइड्स हैं, डेल्टा कोटल है, डेक्सामेथासोन है, इस तरह की, और कुछ एंटीवायरल्स हैं वो भी थोड़े से इफेक्टिव हैं, लेकिन कोई 100% इफेक्टिव ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। तो इस फेज में ये देखने में आ रहा है कि बात सिर्फ लंग्स की नहीं है, उसमें ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है, मुख्तलिफ अलामतें हैं। और बिलामूम आम लोगों को पता ही है कि डायरिया, वॉमिटिंग, सांस का फूलना, सो थ्रोट, मायल्जिया जिसको कहते हैं, एक्स एंड पेन, हेडेक, रैश, सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट, ये कॉमन किस्म के सिम्टम्स हैं, और कोई पेशेंट इनके साथ जरूरी नहीं कि सारे सिम्टम के साथ पेश होगा, इनमें से 2-4 भी हो सकते हैं, 1-2 भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर कंसिडर ये किया जाता है, आजकल एक कहावत है कि इस मौसमी हालात में जिसको अगर कोल्ड या फ्लू हो तो वो है कोरोना अनटिल प्रूवन अदरवाइज। तो उस सिलसिले में आपके पास बेताशा टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं ऑल ओवर द कंट्री, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गवर्नमेंट ने यहाँ पे अच्छा सिस्टम एक नाफज किया हुआ है, जिसमें आप 111 या 119 या 111 सर्विस को अगर आप फोन करें तो वो आपकी टेस्ट बुक करा लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत स्क्रीनिंग करके, कुछ सवालात आपसे पूछ के, तो देन दे विल टेल यू कि आप फलाने सेंटर, आपके घर के नजदीक फलाना सेंटर है, वहां आप जाएं और वहां से टेस्ट करा लें। अभी आपने सिम्टम बताया कि ये सारे चीजें जो है ड्यू टू कोरोना वायरस हो सकती हैं, किडनी फेलियर हो सकता है, गुर्दे फेल हो सकते हैं, लंग्स फेल हो सकते हैं,
ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ये सारी चीजें कोरोना से रिलेटेड हैं। जी बिल्कुल। सवाल ये है कि ये क्या पता चलेगा कि ये कोरोना से रिलेटेड है या नॉर्मल हार्ट अटैक हुआ है, नॉर्मल किडनी फेलियर हुआ है, और जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो आप इन चीजों की ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हो सकता है कि वो काम ना करे ये, या वो दवाइयां जो पहले टेस्टेड थी ड्यू टू डिफरेंट रीजंस नॉट कोरोना। सो कोरोना रिलेटेड है हार्ट अटैक या किडनी फेलियर, यही सवाल जी था आपका। अच्छा जी शिवा साहब, उसमें ये है कि जाहिर है सबसे पहले आपका कोरोना टेस्ट होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो उसमें फिर आपको अगर से हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है या किडनी रिलेटेड है तो फिर उसका चांस यही है कि दिस इज मोर रिलेटेड विद द कोरोना वायरस, एंड हार्ट अटैक इज अ हार्ट अटैक वेदर इट इज विद द कोरोना वायरस और इटसेल्फ इट्स अ हार्ट अटैक, इट्स मोर लेस द सेम थिंग। अच्छा, ट्रीटमेंट जो हार्ट अटैक का वो भी होगा अपनी जगह, और अगर बिलफर्ज किडनी फेलियर है तो उसका भी अपना ट्रीटमेंट होगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि कोरोना की वजह से अगर फलाना मर्ज हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, वो उसका ट्रीटमेंट अपनी जगह है मौजूद। पूछना चाह रहा हूँ कि एक आदमी को कोरोना हुआ, वो उससे रिकवर हो गया, जी उसके सारे टेस्ट नेगेटिव आ गए हैं, ठीक, फिर अभी जो कोरोना यही कहा जा रहा है, जनरल परसेप्शन है या ये हर जबान आम है कि अब ये अम्यून हो गया है, बल्कि उस शख्स को दोबारा हो लाइकली इट इज कि दोबारा कोरोना वायरस का अटैक हो सकता है। ओके शिराज साहब, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये जो कोरोना का सिलसिला है इट्स वेरी न्यू एंड देर आर मेनी थिंग्स विच मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट डोंट नो। फर्स्ट फेज में जब ये था उस वक्त ये समझा जाता था कि ये जैसे आम वायरस है, एक दफा हो तो देर इज अ गुड चांस कि बॉडी में इम्यूनिटी डिवेलप होगी और दोबारा चांस नहीं है। लेकिन अब सेकेंड फेज में बहुत सारे ऐसे केसेस बहुत सारे ममालिक में सामने आ रहे हैं, जिसमें बरतानिया, चाइना, अमेरिका, इटली के जिन लोगों को एक दफा ये हो चुका है, दे आर स्टिल वनरेबल टू गेट इट अगेन, एंड देर हैव बीन मैनी केसेस, नॉट मेजॉरिटी बट मैनी केसेस आर देर वेयर पीपल हैव गॉट इट, कि दोबारा उनको ये वायरस का इन्फेक्शन हो गया। लिहाजा फिर बात ये आती है कि हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, कि परहेज करे बंदा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बट जनरली कोरोना बहुत ज्यादा खौफनाक चीज नहीं है, जो लोग अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं उनको, हार्ट रिलेटेड है, किडनी का है, डायबिटीज है, लंग्स के प्रॉब्लम्स हैं, या कोई कैंसर उनको हुआ हुआ है, उन पेशेंट्स में ये ज्यादा अटैक करता है क्योंकि उनका अपना एक इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। तो आम आदमी अल्हम्दुलिल्लाह ही और शी डजंट हैव टू फियर टू मच, मेजॉरिटी आदमी जो है वो रिकवर कर लेते हैं और उनका अपना इम्यून सिस्टम और प्लस कुछ सपोर्टिव मेजर्स। अब सपोर्टिव मेजर्स आपने बिल्कुल सुना होगा, आपने अगर किसी जीपी को फोन किया, किसी डॉक्टर को किया, या ऑनलाइन कहीं पढ़ा या खबरों में सुना, वो यही है कि आप रेस्ट करें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें, बुखार है, दर्द है तो उसके लिए आप रेगुलर पैरासिटामोल लें, और चंद केसेस में एंटीबायोटिक्स का भी अमल दखल है, लेकिन ज्यादा नहीं है, ज्यादा एंटीबायोटिक्स का अमल दखल नहीं है क्योंकि ये वायरल इलनेस है, बैक्टीरियल नहीं। लेकिन कुछ लोगों में जहां वायरस का इलनेस है उसके साथ एक हम कहते हैं सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो हो सकता है, और वो जब भी आप अपने जीपी या किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो जब आप हिस्ट्री देंगे तो वो एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ इसको शायद एंटीबायोटिक से फायदा हो, तो पीपल कैन बेनिफिट। लेकिन फिर दोबारा मैं दोहरा रहा हूं कि एंटीबायोटिक्स इज नॉट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, और कोई ऐसा हुआ और फिर उसकी सांस कोई 6-7 महीने के बाद, 5 महीने के बाद उसकी सांस का मसला हो गया, ठीक है, इट विल क्लियर इट सेल्फ, बॉडी के अंदर से वो चला जाएगा जो उसके लंग्स में घुस गया है, जबकि कोई टेस्ट ऐसे नहीं शो कर रहा कि उसको कोई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उसकी सांस जो है फूल रही है या सांस बंद हो रही है, या यानी उसको वो स्ट्रगल कर रहा है। तो कितने अर्से तक आप समझते हैं कि ये
जा सकती है और बॉडी के अंदर वो सिस्टम मौजूद है जो इससे खुद फाइट करेगा या ट्रीटमेंट इसकी कोई है? बड़ा अच्छा सवाल है जी। इसमें ये है कि फिर दोबारा मैं दोहराऊंगा कि हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान का अपना इम्यून सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, इट्स ऑल इंडिविजुअलाइज्ड। अब ये है कि चूंकि ये एक नई मर्ज है तो इसमें बिल्कुल सामने आ रहा है ये सिलसिला कि जिन लोगों को फर्स्ट फेज में जब ये इन्फेक्शन हुई और कुछ लोग अभी तक उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, वो सांस फूल रहा है, वो क्यों? कि उस कोरोना की वजह से उनके लंग्स उस वक्त डैमेज हो गए हैं। जैसे कि आप समझते हैं कि दमे का मरीज है या टीबी का मरीज है, कि टीबी का मरीज स्पेशली जब छाती या लंग्स में वो इफेक्ट करता है तो वो जरासीम लंग्स के कुछ हेल्थी एरियाज को डैमेज कर देता है। इसी तरह ये कोरोना जो है कुछ पेशेंट्स में जो हेल्थी लंग टिश्यूज हैं उनको डैमेज करता है और उस डैमेज की वजह से फिर लोगों को बाद में भी उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है। लेकिन अगर इफ वन इज यंग एंड फिट तो लेस लाइकली, और वो जरूर रिकवर कर लेते हैं। लेकिन देर आर सम केसेस, नॉट मेनी बट देर आर सम केसेस जिनको ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ प्रोलॉन्ग रहेगा और वो लंग्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे, जैसे टीबी की वजह से हो सकते हैं या मुसलसल से बार बार किसी को निमोनिया हो तो उसमें भी लंग डैमेज का चांस है। तो इसी तरह कोरोना के साथ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं होगा, ये बड़ी रेयर होगी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो वैक्सीन आया है फेजा, जी, ये इसकी हमें पता है कि ये पहले आप लोगों को मेडिकल पैरामेडिक अंडरलाइन कंडीशन केयर होम्स बूढ़ों को लगेगी, फिर 16 से 64 इयर्स के जो बच्चे जो लोग हैं अगर उनकी अंडरलाइन कंडीशन है यानी मोर लाइकली कि उनको पहले कोई डिजीज है और वो ज्यादा वल्नरेबल है तो उनको ये वैक्सीन लगेगा, फिर 50 या 50 साल के बाद लोगों को लगेगा, दैट्स डिफरेंट कैटेगरीज। मेरा सवाल ये है कि ये जो ऑक्सफोर्ड के अंदर हमारी होममेड जो वैक्सीन थी, जी जी, वो भी पैरेलल में तैयार हो रही है, इसको रिप्लेस किया जाएगा कि हम बस इसी फेजर पर ही जो है वो गुजारा करेंगे? नहीं, ये पैरेलल वो भी चल रही है, और ये है कि चूंकि सर ये गवर्नमेंट जो है इट वाज वेरी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन और प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर, तो जो जाहिर है वैक्सीन पहले आई और आपके सामने जो अमीर ममालिक हैं जिनमें बरतानिया भी है, इनके पास क्लाउड भी है, मनी है, दे वर एबल टू बाय एंड सिक्योर द ऑर्डर्स फॉर इट। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है वो जाहिर है होम मेड है, तो ज्यादा चांसेस यही है कि गवर्नमेंट उसको प्रेफरेंस देगी। लेकिन सरे दस चूंकि पहले फाइजर की वैक्सीन आई है तो इसके पहले ऑर्डर्स इन्होंने ले लिए, और अभी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है कि कितने मिलियन ऑर्डर्स इन्होंने लिए हैं या कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन को ये इस फाइजर वैक्सीन के साथ वैक्सीनेट करेंगे। लेकिन बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि जो एक एल्डरली और जो वल्नरेबल ग्रुप है, नर्सिंग होम में जो लोग रिहाइश पजीर हैं या जो केयरर्स जो नर्सिंग होम में काम करते हैं, दे आर फर्स्ट प्रायोरिटी, और उसके बाद फिर जो NHS के फ्रंट लाइन स्टाफ है या फिर हाई रिस्क दूसरे पेशेंट्स हैं वो फिर दूसरे उस कैटेगरी में आएंगे, और मे बी बाय दैट टाइम ऑक्सफोर्ड की अपनी जो वैक्सीन है वो भी मार्केट में आई होगी। और ये जो मेडिसिन हेल्थ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ का एक बड़ा मुस्तनद किस्म का इदारा है, उसने उसकी अप्रूवल दे दी तो वो आ जाएगी मार्केट में। पाकिस्तान में कोरोना वायरस को लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, जो लोग हमारा प्रोग्राम वहां देखेंगे उनको आप क्या कहेंगे, और फिर उन डॉक्टर्स को या मेडिकल स्टाफ को आप क्या एडवाइस करेंगे ब्रीफली प्लीज? देखो पाकिस्तान के लिए तो हमारा यही एडवाइस है कि जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करें, कोशिश करें कि बहुत ज्यादा इज्तिमा में इंसान ना जाए, मास्क जरूर पहने। मास्क आपको प्रोटेक्ट नहीं करता बल्कि दूसरे को प्रोटेक्ट करता है। बिलफर्ज अगर आपके अंदर इन्फेक्शन है तो वो अगर आप खांसी करते हैं या नीच मारते हैं या बात करते हैं तो उसकी जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो मास्क उसको प्रिवेंट करती है, तो वो एक सर्विस आप कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। कोशिश करें कि जिसको बुखार है, कोई फ्लू लाइक इलनेस है, उस बंदे को बाहर महफिल में जाना ही नहीं चाहिए, इवन अपने घर के अंदर उसको आइसोलेशन में रहना चाहिए। अगर वो अपने हमदर्द है, अपने फैमिली के साथ, अपने कम्युनिटी के साथ,
तो उसको आइसोलेशन में रहना चाहिए और जब तक उसको वो सिम्टम्स हैं दूसरे लोगों के साथ मेल मुलाकात ना करे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी नसर के लोग, इवन हम यहाँ बरतानिया में जो रह रहे हैं, हम उस इस मसले में भी वी आर नॉट वेरी सीरियस कंपेयर्ड टू द लोकल कॉकेशियन पॉपुलेशन, वी आर वेरी अनसीरियस पीपल। तो मैं, मेरी इल्तजा उन लोगों से भी है जो यहाँ पे भी रहते हैं कि बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज व्हाट्सएप और फेसबुक और इस तरह सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके ऊपर आप बिलीव ना करें। आप यकीन माने कि ये गवर्नमेंट आपकी है और ये गवर्नमेंट्स जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं, और बिल्कुल इस वक्त दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ रिसर्च टू ट्राई टू हेल्प देयर पॉपुलेशन, एंड वी आर पार्ट बीइंग यूके ब्रिटिश सिटीजंस, हम भी इस मुल्क का हिस्सा हैं और वी आर ऑल्सो एलिजिबल टू रिसीव द सेम ट्रीटमेंट एंड सेम बेनिफिट। पाकिस्तान में टीवी की खबरों आप फॉलो करते हैं, आजाद कश्मीर की फॉलो करते हैं, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और हुकूमत ने जो एसओपीज का ख्याल रखने को कहा है, रिक्वेस्ट की है, उसको लोग वायलेट कर रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल चीज है और कोई कोरोना शरोना नहीं है, और हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हमने मीनार पाकिस्तान में एक जनाजे पर देखा, हमने पीडीएम के जलसों में देखा, तो इससे क्या होगा डॉक्टर साहब? Is that any threat or ये just definitely आपका जो infection का rate जो है वो तो बढ़ता जा रहा है और hotspots जो है वो उन्हीं जगहों पे ज्यादा मिलते जा रहे हैं जहाँ पे इस किस्म की congregations, जहाँ पे जलसे जुलूस और ये सिलसिले हो रहे हैं, और even जो standard operating procedures है वो मसाजिद को भी target कर रही है, और बिल्कुल ठीक कर रही है कि उसमें भी लोग अगर इकट्ठे होंगे तो there is a chance of infection। लेट अलोन आप मस्जिदों के ऊपर अगर पाबंदी है तो ये जो जलसों वाला जो सिलसिला है ये तो मैं सोचता हूँ कि नहायत ही नाकपंदोशी का मुजाहरा है हमारे लीडर्स का और पब्लिक का, और इसमें क्या बंदा कहे, गवर्नमेंट भी कसूरवार है, ऑपोजिशन पीडीएम है या जो भी है, गवर्नमेंट ने भी जलसे किए और रिटेलिएशन जो है ऑपोजिशन ने भी किए, तो मैं सोचता हूँ दोनों काबिले मजम्मत हैं। और वहाँ पे साइंटिस्ट और इस तरह का जो शोबा है उसकी तो अहमियत ही कोई नहीं है। आपके सामने यहाँ बोरिस जॉनसन या कोई भी दूसरे वर्ल्ड लीडर्स जब भी कोई इस सिलसिले में बात करते हैं तो उनके लेफ्ट राइट साइड पे पॉलिटिशियंस या वजीर कम खड़े होते हैं, साइंटिस्ट ज्यादा खड़े होते हैं, और वो उन साइंटिस्ट की बात सुनते हैं और उसके ऊपर वो अपनी एक पॉलिसी बनाते हैं, तो इस चीज का बड़ा फुकदान है हमारी नेशन में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शौकत अली खान साहब, ब्रिटिश डॉक्टर, जीपीएम बर्मिंघम, जहाँ पर 3 लाख एक अंदाजे के मुताबिक मुसलमान रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन है 300 के करीब, मसाजिद हैं वहाँ पर, एक मतलब बड़े सक्सेसफुल, बड़े कामयाब और अच्छी रेपुटेशन वाले माशाल्लाह ब्रिटिश डॉक्टर हैं और कम्युनिटी को सर्व करते हैं, और सोशली और कश्मीर के हवाले से भी माशाल्लाह वेरी वेरी एक्टिव। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको जजाए। थैंक यू।